ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚਪੇੜ ਤੋੜ ਦੜੀ ਉਹ ਗੱਟੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਇਹ ਈਗਲ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਹੈ 1980-81 ਮੈਂ ਹਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰ ਫਿਜੀ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਟਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਹੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਕਾਲਾ ਉਸਨੇ ਔਰ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਮਨੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਔਨ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਯੂ ਬਲਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਗ ਇਟ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡ तो उसके यहाँ एक टैटू बना हुआ था स्नेक लंबा सारा ओके वी ब्लड ब्रदर्स कहता नो नो नॉट लाइक दिस कहता यू हैव टू मेक अ टैटू एंड देन वी बी ब्लड ब्रदर्स ओ आज तक मेरा दोस्त जाहिर सी बात है कि मैं एक क्रिकेट ग्राउंड पे खड़ा हूं और इस ग्राउंड पे खास शख्सियत भी हमारे साथ आपको हमेशा नजर आई होंगी लेकिन आज उनसे जब बात करूंगा तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ किस्सा लेकिन किस्सा थोड़ा सा अलग है उस किस्से में देश की बात भी है उस किस्से में एक चुनौती भी है और वो किस्सा एक ऐसी कहानी है जो अब तक छुपा हुआ था अब फाइनली बाहर आया मेरे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह युवराज सिंह के पिता योगपाल जी बहुत बहुत स्वागत है योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सर आपकी जो ड्रेस है ना पाजी हाँ जी ये मतलब आप चलो एक्टर भी हो और आपका जो एक ड्रेस है वो अलग है आप इसी में कोचिंग करते हो मैं इसी में कोचिंग करता हूँ व्हाइट कपड़े कलर्ड कपड़े जो है क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ और कोचिंग का कई मसला लिखा कि आपको पैंट डालनी चाहिए शर्ट डालनी चाहिए शॉर्ट डालनी चाहिए कोचिंग होती है कपड़ों से कोई तल्लुक नहीं है कोचिंग ये दिमाग का काम है सो मेरे को ये बड़ा कम और ये एक ट्रेडमार्क भी बन गया वैसे आपको बता दूं ये सारी दुनिया में कुर्ता पजामा पहन के जहाजों में घूमता हूँ शूटिंग पे जाता हूँ तो बहुत सारे जो गोरे हैं जो यूरोपियंस हैं वेस्टर्न हैं उन्होंने कहा है कि हम भी कुर्ते पजामे पहनेंगे और बहुत सारे पहन भी रहे कमाल की बात हुई है कम्फर्ट हो इस वेरी वेरी कम्फर्ट अच्छा एक वो दौर था जब आप क्रिकेटर ड्रेस टी शर्ट है ना व्हाइट शर्ट स्वेटर ये वो बड़ा स्मार्ट बन के जाता था अल्टीमेटली शाम को ड्रेस बिल्कुल मिट्टी जैसी हो जाती थी अब मैं देखता हूँ काफी टाइम से कि आप इसी एक आपका ड्रेस कोड ये रह गया हाँ। क्योंकि आपको ये इसलिए कि आपने कोचिंग भी करनी है आपने शूटिंग भी जाना है तो आपको एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड मिल जाता है पता भी नहीं लगता ना कि मैं सुबह कुर्ता जाना इसलिए पहनता हूँ जैसे आप आ गए इंटरव्यू करने तो यहाँ कभी आधे घंटे के बाद फोन आ गया जी वो शो है जी या वहाँ पे कोई ओपनिंग है जी तो अभी एक गाना शूटिंग का कर ले तो मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ रात को 12 बजे भी फोन आ सकता है ये ठीक है ड्रेस सही बात है मेन तो मसला कोचिंग का है अच्छा योगपाल जी मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी उसमें आप एक अपना जो क्योंकि आपको जिम का तो शौक काफी शुरू से ही है आप उसमें एक डॉला दिखा रहे थे उस डॉले पे एक टैटू छपा था उस टैटू की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कहानी अभी सामने नहीं आई थी योगराज सिंह की अगर बात करें तो कहानी या किस्से अगर किताबें भर जाए लेकिन पाजी ये टैटू आपका बना कब था और ये तो पता नहीं चला कि आपने टैटू बनवा लिया ये कहानी क्या टैटू की ये ईगल है जो यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक है तो 1980-81 में हम ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड टूर फिजी टूर पे गए थे 1981 में सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे तो कपिल भी मेरे साथ ही था तो एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए तो वहां नहीं ये ऑस्ट्रेलिया की बात जी 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 और वहां पे कुछ ऑटोग्राफ्स की बात चली कुछ बात चली कुछ ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा रुक गया बाकी चले गए तो मैं थोड़ा सा माहौल मुझे अच्छा लगा मैं अंग्रेजों के साथ गुरुओं के साथ इंटरेक्ट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बाकी तो सब प्रोग्राम पैदल ही आपको पता है कपिल देव तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है तो वो कम्युनिकेशन मेरी हो रही थी तो उसने मुझे कहा हे यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन लाइक ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी स्ट्रांग इंडियन तो वो गोरे को शायद दो चार पैग लगा रखे थे थोड़ा हाई था वहां रेसिज्म भी काफी था बाद में महसूस हुआ तो ये करते करते ही सेज जिमी डॉलर निकाला उसने और बोला कि मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए नॉट ऑन द मनी आई कैन गिव इट ऑन द पीस ऑफ पेपर तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या था मुझे कहता यू ब्लडी फकिंग इंडियन डॉग गोरे ने कहा मैं रख के दिता चपेड़ तोड़ दड़ी होगा टेबल तो मैं यू विल नॉट स्पीक दैट वर्ड अगेन मुझे अपना देश बड़ा प्यारा है देश की जो मैं कहा शान है बड़ी प्यारी है इन इंग्लिश आई सेड यू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट माय कंट्री मैं कहा देन वन ऑफ अस विल लिव ऑन दिस प्लेस राइट नाउ बाकी लोग आपके इंडियन प्लेयर आगे सारे हाँ। मैं कहा टू हेल्प विद इट बाकी तो मिंटर लाउंदे भजन नु सारे ठीक है जी तो मैंने कहा दिस इज सीरियस मैटर इफ दिस हैज टू बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड नो प्रॉब्लम
तो वो जी इकट्ठे होके तो बात चली गई सुनील गावस्कर के पास, कमेटी के पास, उसी दिन जी शाम को, नो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हाँ, तो वो बाद में ही गॉट अप एंड ही सेज ओह आई एम सॉरी माइट जस्ट हैपेंड, आई सेड इट्स ऑलराइट, यू सॉरी आई कैन फॉरगिव यू बट आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ अबाउट इफ आई से समथिंग अगेंस्ट योर कंट्री, हाउ वुड यू फील, कहता ऑब्वियसली आई वुड फील द सेम, तो गोरे हैं मान भी लेते हैं, इट्स बिकेम अ फ्रेंड, तो वो हाथ ऐसे मिलाते हैं हमेशा, हाथ देना अपना यू नहीं, ये हाथ यू मिलाते यू करके, Oh, we are blood brothers. इस कारण बता। तो उसके यहाँ एक टैटू बना हुआ था स्नेक लंबा सारा, अच्छा। तो उसने वो अपना टी शर्ट पहन रखी थी और कहा you know, we are going to blood brothers. मैं कहा, okay, we are blood brothers. कहता, no, no, not like this. कहता, you have to make a tattoo. And then we'll be blood brothers. मैं कहा, okay, you think if I do that, you'll say that I'm a great Indian? यानी कि टैटू की शर्त लग गई। हाँ जी हाँ, कि आप टैटू बनवाओगे तो मेरे बनवाओगे तो मैं बात करूंगा, पर मैंने एक आवाज पूछी, मैंने कहा देन आई बी नोट नोन एज अ ग्रेट इंडियन, अ स्ट्रांग इंडियन, अ सोल्जर ऑफ इंडिया, अ मैन ऑफ इंडिया, ही सेड यस, ऐसा हमारा वॉइस में बात हुई। मैंने कहा चल भी जिथे जाना है, वो मुझे अपनी गाड़ी में, हालांकि ये प्रोटोकॉल नहीं था, जा नहीं सकते थे, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द टूर, मैं गया, मैंने कहा सबसे बड़ा जो टैटू है ना वो निकालो, मुझे नहीं पता था वो इंजेक्शन वगैरह से चलता है काम, मैंने सोचा या फोटो छपी होगी, नहीं हाँ। जोश भी था हाँ। सवाल देश का देश था। सवाल मैं आज भी मेरे हाँ। देश या देशवासियों के खिलाफ कोई बोलेगा मैं मुंडी उतार दूंगा, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, वो जज्बा था, बड़ी सारी ईगल निकाल ली, उसने पहले छाप दी, उसके बाद वो इंजेक्शन सुइयां लंबी लंबी और कलर्ड ग्रर शुरू हो गया। एक बार दिखा दो भाई साहब, यार मैं भी क्या करूं, ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ना काफी इंटरेस्टिंग है, जो भी आई नहीं थी और किससे से जुड़ी है, देखिए कहाँ ऑस्ट्रेलिया में 81 में टैटू बना, गोरे ने चैलेंज कर दिया कि भैया इंडियन तभी मानूंगा जब ये टैटू बनवा लोगे, टैटू के लिए मुझे वापस ही भेजा जा सकता था टूर से, ये अगेंस्ट प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ, पर वो जो है वो है, अब ये मेरा डौड़ा बहुत बड़ा है ना, क्या करें भैया, बीच में फंसता, तो ये ईगल है, ये है ईगल हाँ, क्योंकि और ये यहाँ ऊपर तक है पूरी बनी हाँ। हुई है, और ये कलर था बीच में येलो रेड कलर था हाँ। तो ये फेड हो गया क्योंकि 1981 का बना हुआ है, तो बाकी ये सारा यहाँ तक बहुत बड़ा है, यहाँ तक है और इतना ब्रॉड है। कितना टाइम लगा उस टाइम इसको, और आपको पेन तो काफी होगा? बड़ा पेन उमेश, मुझे पता नहीं था, और ब्लीडिंग हो रही थी, और इसको लग गए 2 घंटे कलरिंग करते करते करते, एनीवे तो मैंने कहा योगराज सिंह कोई बात नहीं, देश की बात है, अगर वापस भी भेज देंगे तो नो प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में बात चल रही थी। अब वो जब हो गया तो उसने मुझे कहा ये साबुन के साथ नहाना है और ये एक क्रीम है ये लगानी है, बाजू सूज गई, थर्ड डे मैच, अब ये नहीं पता था कि मैच में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, तो मैं जी उसने मुझे हाथ मिलाया, ब्लड ब्रदर, हमने हग किया और उसने मुझे कहा यू आर अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रांग इंडियन, यू आर गोइंग टू बी माई फ्रेंड फॉर एवर, मैंने कहा ओके, हम दोस्त बन गए। अब जब मैं होटल आया ना तो मेरी बाजू उमेश जी, उस्ताद ये क्या हुआ सुन, तो सुन और शाम को प्रैक्टिस सेशन अगले दिन, तो मैं सनी के कमरे में गया, सनी का मैंने कहा सर ये काम करके आया हूँ, कहते आई नो व्हाट यू डन, प्यार मेरे से बहुत करता था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, उसकी एक बहुत सारी लेटर मेरे पास पड़ी है, एक लेटर जिसमें लिखा है कि यू आर अ ट्रेजर इन लाइफ टू बी प्रिजर्व्ड, सुनील गावस्कर के हाथ से लिखा हुआ, ये तब की बात है जब मुझे टीम से निकाला गया था, ये बिशन सिंह बेदी वगैरह ने, कपिल वगैरह ने किया था काम, तो मैंने कहा सर ऐसा हुआ, दिस इज इट, व्हाट द हेल यू हैव डन, यू नो यू आर माय एस बॉलर, दिस इज दैट, सॉरी सर मुंडी नीचे, मैं कहानी सुना दी, ही लाइक्ड इट, कहते हैं एक चीज तो बड़ी अच्छी इसमें, यू आर अ मैन हु बिलोंग्स टू इंडिया, वेरी प्राउड ऑफ यू, यानी कि आपने कहा कि सिर्फ इंडिया का नाम ले दिया था, मैंने चैलेंज, मैं कहा जी मेरे देश का सवाल आया था और मैं वो तो कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता, ही फेल्ट वेरी गुड, और वो बात बाहर निकली नहीं,
बंद होगी। जी आर विश्वनाथ ऑल्सो न्यू अबाउट दिस, पर उन्होंने वो कमेटी में बाहर मैनेजर वैजर को बताई, लेकिन पूरी इंडियन टीम को स्क्वाड को पता था? पता बाद में लगा। कपिल पाजी को? कपिल पाजी को भी नहीं पता था, मैं कहा कोई पता नहीं जाके बता दे। तो वो बिटवीन गावस्कर मी एंड जी आर बात रही होगी, अगर वो बाहर आती तो शायद उसका इश्यू बन भी जाता या ना भी बनता। सो आई थिंक उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन पे नहीं गया। मैं कहा सर मेरी बाजू नहीं उठती, सो इसे अच्छा कोई बात नहीं, बट आर यू गोइंग टू बी ऑल राइट, डॉक्टर को दिखाओ। मैं कहा जी मैं दिखा लेता हूँ, बट दे टोल्ड मी थ्री डेज। तो तीन दिन मैं जी बाजू को लेके पड़ा रहा, फिर फोर्थ डे प्रैक्टिस पे गया तो बाजू मेरी अकड़ी हुई थी पर चल रही थी, आई कुड बोल। सो मुझे सबको बाद में फिर पता लगा, सारी इंडियन टीम को पता लगा, योगराज सिंह दिलीप वेंग सरकर को सबसे पहले पता लगा। तो वो कहते यार हुआ क्या? मैंने कहा ये हुआ। तो एवरीबडी फेल्ट ग्रेट, है ना, कि यार ये जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है हमारे देश के लिए। सो आई थिंक वो एक ऐसी कहानी थी जो आज तक मैंने छुपा के रखी, बट निकल गई बात। अच्छा उस एपिसोड के बाद कुछ ऐसे, जब आप इंडियन टीम के साथ जितना दौर आपने रहा, इस बात को लेकर कभी कहा कि यार योग क्या करा लिया था, किस्सा है ना, हो सकता मैच में खेलने का मौका मिल जाता, ये तमाम चीजें, रिग्रेट? अब ये बात मुझे कही तो नहीं किसी ने, बट मुझे खुद फील हुआ कि शायद ये रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग बात हो गई। लेकिन सवाल आज भी ऐसा ही है कि जब देश की बात आती है, अब जैसे यूवी को कैंसर था, मुझे पता था उसको खेलना था, और मुझे डॉक्टर बोल रहे थे किस किस्म के बाप हो आप, ये है वो है, सब कुछ चल रहा था। तो यूवी से जब मैंने बात करी तो वो कहता पापा आपने ऐसे सिखाया, नो प्रॉब्लम, ब्लड आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो देश का सवाल था, और देश पे अगर बेटा मेरा कुर्बान भी हो जाता तो मुझे बड़ी बड़े फख्र की बात होती, एज लॉन्ग एज वी विन द वर्ल्ड कप। तो मैं समझता हूँ ये जज्बा हर आदमी में होना चाहिए अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, मेरे में बहुत है। सो आई थिंक मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि ये टैटू मैंने बनाया, और आज भी ये यादाश्त लकड़ियों तक जाएगी मेरे साथ। बट आई फील के हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए इस बात पे, हर दुनिया के हर इंसान को ये प्राउड होना चाहिए कि यार जो भी था छोटा किस्सा है लेकिन अपने देश के लिए है, उसके लिए मुझे बड़ा नाज होता है जिंदगी में। अच्छा उसके बाद कोई टैटू तो नहीं बनवाया आपने? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैं मुझे अगर किसी ने कहा भी होगा तब भी नहीं बनाया, क्योंकि ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। अब तो बड़ा इजी हो गया, आज तो आजकल तो टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई ना, तब तो इंजेक्शन के साथ आप देखो ये आपकी स्किन ऐसे कर ब्लड निकल रहा है बीच में, तो पेनफुल तो है ही ना जब आपकी स्किन कटती है। बट दैट वॉज द मोमेंट टू बी वेरी टेल यू, जब वो चीज हो रही थी ना रमेश, मेरे इतना दर्द हो रहा था, पर मैंने शो नहीं किया कहीं ये गोरा मुझे ये ना कह दे कि बस। मैंने कहा उसने पूछा मैं हाउ डू यू फील, आई सेड आई फील ग्रेट, दिस इज मैजेस्टिक, क्या बात है। कहा इज इट पेनफुल, मैं कहा नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस। तो मुझे वो बात जो दिल में नहीं थी वो कहनी पड़ी, पर मुझे लग भी रहा था कि कहीं यार तूने अपने देश के लिए किया। ये ईगल आपने बनवाया था? हाँ ईगल। और ईगल ही चूज क्यों किया था? क्योंकि सबसे बड़ा टैटू यही था। अच्छा, उसके छोटे छोटे थे, स्नेक थे, ये थे, केकड़े थे, और कुछ थे। टैटू के पैसे किसने दिए? टैटू के पैसे गोरे ने दिए। कितने डॉलर? मेरा ख्याल तब एक $5-6 डॉलर, $5-1 डॉलर थे। शर्त भी थी ना? हाँ, मैंने कहा पेमेंट मैं करूंगा, कहता नहीं, कहता दिस इज अमेजिंग। पर वो चलो उसके भी जज्बात थे, एंड आई कुड फील। ओ आज तक मेरा दोस्त है। अच्छा। हाँ, ही स्टिल ही इज अबाउट 87 नाउ, मेरे से बड़ा था उम्र में। आज वो जिम विम करता है, वी स्टिल मीट एंड ही वी स्टिल टॉक अबाउट द टैटू। बहुत अच्छा लगा पाजी कहानी सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी योगराज सिंह के टैटू की कहानी जो अब बाहर आई है फाइनली। और देखिए कहां 1981 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक गोरे ने चैलेंज कर दिया था कि अरे तुम इंडियन हो तो दोस्त बनोगे, जब टैटू बनवाओगे, बनवा दिया। देशभक्ति की भावना प्लेयरों में तो वैसे भी होती है, जब कंट्री का झंडा वो टी शर्ट और कंट्री होती है ना, वो भक्ति थी। और खासकर योगराज सिंह की बात करें तो शुरू से जोशीले तो वो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।